हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ओप्पो A5 2020 के बारे में और उसे अनबॉक्सिंग भी करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन की गई ऐप अभी भी फ़ोन में पहले से इंस्टॉल करके ऐप दे रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की बात को मानकर चाइनीज़ ऐप को नहीं दिया जा रहा है इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ओप्पो A5 2020 का बॉक्स हमारे पास आ चुका है और देखिए सामने से इसका लुक, और अगर पीछे से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें लिखा गया है ओप्पो A5 2020 और नीचे से इसके फीचर्स के बारे में लिखा गया है। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। बॉक्स के बाहर से वाइट पन्नी भी है ट्रांसपेरेंट वाली, तो ये पूरा ही हमें यहाँ पर फाड़ना पड़ेगा। और दो दो सील इसमें दी गई हैं यहाँ पर, तो साथ ही साथ सील भी ब्रेक कर लेते हैं। देखिए वाइट ट्रांसपेरेंट पन्नी आपको दिख रही होगी, इस पर चमक रही होगी साइड से, तो पूरा का पूरा कवर है, अभी ये पैक्ड है बिल्कुल। और ये देखिए पन्नी हमने निकाल दी है अभी इसकी। अब अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ तो इसमें मेड इन इंडिया लिखा गया है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेड इन इंडिया लिखा गया है। बट दोस्तों यह मेड इन इंडिया नहीं होता, यह मैन्युफैक्चर होता है चाइना में ही, लेकिन जो इसके पार्ट्स हैं वो असेंबल होते हैं यहाँ इंडिया में। तो बॉक्स हमने खोल के देखा तो ऊपर से कुछ ये वाइट यहाँ पर बॉक्स है अंदर से छोटा सा, जिसके अंदर यह ट्रांसपेरेंट केस है, एक पिन ये है, सिम इजेक्टर पिन है, और कुछ ऐसे ही पेपर्स हैं इसके, फ़ोन की जानकारी जो इसमें दी गई है। अगर फ़ोन को देखें तो कुछ इस तरीके से आपको अंदर से मिलेगा, जिसके ऊपर से ओप्पो A5 लिखा हुआ है और साथ ही फीचर्स भी लिखे हुए हैं। इसको हम खोल देते हैं तो कुछ इस प्रकार से फ़ोन दिखता है। फर्स्ट लुक में अगर फ़ोन देखें तो काफ़ी शाइनी बैक दिया गया है, एक ऐसा लग रहा है जैसे ग्लासी बैक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये मेटल का तो नहीं, प्लास्टिक की बैग है शायद, जो बहुत ही ग्लासी है, जिसमें कि आपके फिंगरप्रिंट आसानी से दिख पाएंगे। अगर फ्रंट लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें कि एक वाटर ड्रॉप नोज दी गई है। तो फ़ोन जब तक बूट होता है दोस्तों, तब तक बाकी चीज़ देख लेते हैं। फ़ोन को बूट के लिए लगा देते हैं यहाँ पर। और ये फ़ोन बूट के लिए लगा दिया है, अभी देखते हैं बॉक्स में कि क्या क्या चीज़ है। ये ऊपर का निकालते हैं तो ओह, इसमें हेडफोन तो है ही नहीं, और एक चार्जर है, एक यहाँ पर सी टाइप केबल दी गई है। जी हाँ, सी टाइप केबल है। और अगर चार्जर की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वीडियो पर दिख रहा है 5 वोल्ट चार्जर, तो फास्ट चार्जर तो नहीं कहेंगे इसे, फास्ट चार्जर तो है ही नहीं, ये आउटपुट 5 वोल्ट दिखा रहा है, तो फास्ट चार्जर नहीं मिला है दोस्तों साथ में। लेकिन सिम जो यहाँ पर केबल दी गई है वो सी टाइप दी गई है, और हेडफोन नहीं है इस पर, ईयरफोन। तो फ़ोन हमारा बूट हो गया है, अब देखते हैं हो रहा है बूट अभी, अब देखेंगे इसका इंटरफेस कैसा है। OS 6 दी गई है इसमें, तो इंटरफेस कुछ इस प्रकार से है। ओह, यहाँ देखे तो अभी भी चाइनीज़ ऐप दी जा रही है कंपनी द्वारा, जो कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन हो गई है। देखिए UC ब्राउज़र दिख रहा है आपको, और यहाँ पर नीचे उसके देखिए हेलो भी दिख रहा है। तो ये चाइनीज़ ऐप को हम रिमूव कर देंगे फ़ोन से पहले ही, ये देखिए। तो और भी कोई ऐप अगर दिखेगी तो उसे भी बाहर कर दिया जाएगा फ़ोन से, तो अभी तो फ़िलहाल तो दिख नहीं रही है। और इसके यूज़र इंटरफेस की बात करें तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि मैं चला रहा हूँ तो ColorOS दी गई है इस फ़ोन पे, ColorOS 6 दी गई है इस पे दोस्तों। और साथ ही साथ आपको इसमें एंड्रॉयड पाई मिल जाएगा, एंड्रॉयड 9 मिल जाएगा आपको। अब अगर अदर फीचर की बात करें, कैमरे की अगर बात करें इस फ़ोन में, तो 4 कैमरे दिए गए हैं रियर साइड में, 12+8+2+2, और फ्रंट 8 मेगापिक्सल दिया गया है। फ़ोन को अगर साइड से देखें तो पावर की बटन दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उस पर एक ग्रीन कलर का मार्क भी दिया गया है, जो कि यहाँ पर अलग से चमक रहा है, तो आप देख सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो कुछ भी नहीं दिया गया है, तो फ़ोन में आयर ब्लास्टर तो है ही नहीं, वो तो कुछ भी नहीं रहेगा।
अगर आप लेफ्ट की तरफ की बात करें तो सबसे ऊपर सिम ट्रे दी गई है, उसके नीचे पावर नहीं सॉरी वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की दी गई है। आप अगर देखें तो मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको, जैसे आपको ये दिख जाएगी। और ये देखिए, अगर नीचे की तरफ की बात करें तो यहाँ पर हेडफोन जैक, यहाँ पर माइक्रो यूएसबी सी टाइप और स्पीकर और माइक्रोफोन दिया गया है। अब अगर इसके केस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट केस दिया गया है, देख सकते हैं आप, हल्का फुल्का ही है। सिम एजेक्टर पिन देखें तो एक नॉर्मली जैसा कि हर फोन में आजकल लगभग मिल जाती है उसी टाइप की दी गई है, तो कुछ खास नहीं। सिम ट्रे की बात करें तो ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसमें कि आप दो सिम और एक एसडी कार्ड लगा सकते हैं। तो आजकल हम इंडियन को तो यही चाहिए होता है, दो सिम और एक एसडी कार्ड लग जाए, क्योंकि मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है सभी को, तो इस प्रकार से दिया गया है। और अगर इसके स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन पे प्रोडक्शन गोरिल्ला ग्लास प्रोडक्शन दी गई है, साथ ही साथ इसमें स्क्रीन गार्ड लगा हुआ ही आता है कंपनी के साथ, तो इसमें कोई भी स्क्रैच या अदर चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब अगर कैमरा सैंपल की बात करें, डे लाइट में बहुत ही शार्प फोटो इस फ़ोन से आती है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस फ़ोटो का अगर आप जूम भी करेंगे तो पिक्सल नहीं फटेंगे, तो बहुत सही फ़ोटो यहाँ पर आ रही है। इस फ़ोटो को हमने 5x जूम करके लिया है तो भी यह बहुत अच्छी फ़ोटो आ रही है। इस फ़ोन में आपको 10x का जूम मिल जाता है लेकिन तब पिक्सल फट जाते हैं। यह फ़ोटो हमने इंडोर लाइटनिंग में ली गई है और यह भी अच्छी आई है और कलर्स भी नेचुरल लग रहे हैं, तो कैमरा लगभग ठीक ठाक ही है इसका। ये फ़ोटो भी पोर्ट्रेट मोड में ही ली गई है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कैमरा काम कर। ये फ़ोटो नज़दीक से ली गई है और इस पर भी आप देखें तो कलर बिल्कुल सही आ रहे हैं, नेचुरल आ रहे हैं, और पीछे का बैकग्राउंड ब्लरी है, पोर्ट्रेट मोड है ये है। तो यही इसका रियर कैमरा है, ठीक ठाक ही है दोस्तों इसका कैमरा। और इसका सेल्फी कैमरे की बात करें तो वो 8 मेगापिक्सल है, AI दिया हुआ है तो थोड़ा सही लग रहा है वो, इसके सैंपल्स तो अभी है नहीं मेरे पास। और दोस्तों अगर इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है जो कि रिवर्सिबल चार्जेबल भी है बोलते हैं, तो अगर आप से इस फ़ोन से किसी और फ़ोन को कनेक्ट करके भी चार्ज कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, और इसका चार्ज होने में लेकिन बहुत टाइम लेता है क्योंकि चार्जर उतना फास्ट नहीं है। हमने इसे चार्ज करके देखा तो करीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे इसको चार्ज होने पर लगे थे, और लेकिन यह अगर आप हैवी यूजर नहीं हैं तो आपका आराम से 2 दिन यह खींच लेगा दोस्तों, और 1 दिन तो आराम से निकाल ही देगा। तो यही था इसके क्विक अनबॉक्सिंग रिव्यू में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हमने दोस्तों इस फ़ोन का कोई भी प्रमोशन करने की कोशिश नहीं करी है, यह सिंपल ही आपको मैंने इस फ़ोन के बारे में बताया है और अनबॉक्सिंग करी है बस। वैसे अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन